हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके क्विज का पार्ट 21 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको UK SSSC और UK PCS के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के कुल अभिलिखित वन का गढ़वाल मंडल में कितना भाग है? तो देखिए, राज्य के कुल अभिलिखित वन का गढ़वाल मंडल में कितना भाग है? तो ये है 63%। कितना है? 63%। वहीं अगर हम कुमाऊं मंडल में बात करें कि कुमाऊं मंडल में कुल अभिलिखित वन कितने हैं, तो आप याद रखना कुमाऊं मंडल में है 37%। कितने? 37%। वहीं बात करें हम कुल अभिलिखित वन का क्षेत्रफल कितना है, तो आप याद रखना 37,999.06 वर्ग किलोमीटर। कितना? 37,999.06 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। वहीं राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? तो राज्य में जो पौधरोपण नीति है वो कब लागू की गई थी, तो आप याद रखना 6 जून 2006 को। कब? 6 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वानिकी कार्यों के संपादन हेतु कैंपा परियोजना कब शुरू की गई? तो देखिए, वानिकी कार्यों के संपादन हेतु जो कैंपा परियोजना है ये कब शुरू की गई थी, तो आप याद रखना 2010-11 में। कब शुरू किया गया था इसको? 2010-11 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 4% है, बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों को आरक्षण 4% है, बिल्कुल सही है। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण 5% है। विकलांगों को आरक्षण 5%। देखिए, विकलांगों को 5% नहीं है, यह है 3%। कितना है? 3%। अगला है, आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट कब घोषित किया गया? तो आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व को जो रामसर साइट है वो कब घोषित किया गया था, तो आप याद रखना 2020 में। कब? 2020 में। और ये भारत का 38वां रामसर साइट था, ठीक है? ये भारत का 38वां रामसर साइट बना था, आप याद रखना 38वां, ठीक है। और आसन वेटलैंड जो है ये स्थापित हुआ था 2005 में, और कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में मानव वन्य जीव संरक्षण रोकथाम योजना कब शुरू की गई? तो राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई थी गाइस? तो ये शुरू की गई थी 2012-13 में। कब? 2012-13 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में द्वितीय कृषि नीति कब जारी की गई? तो देखिए, राज्य में जो पहली कृषि नीति थी वो 2011-12 में शुरू मतलब की गई थी, ठीक है। प्रथम वाली जो है कब की गई थी? 2011-12 में। अगर आप द्वितीय कृषि नीति की बात करें तो आप याद रखना 2018। कब जारी हुई थी? 2018 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, देखिए, एक तरफ उपनाम है और दूसरे उप जगह का नाम है। तो दूध का कटोरा उपनाम दूधा तोली को कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। भारत का एडिनबरा मसूरी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्डन वैली उपनाम फूलों का, देखिए गोल्डन वैली जो नाम है ये फूलों की घाटी का नहीं है, किसका है? बागेश्वर का। किसका है गाइज? ये बागेश्वर का। त्रिहरी टिहरी को कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, ठीक है, और सी वाला जो है इसमें गलत है, ठीक है। गोल्डन वैली उपनाम जो फूलों की घाटी का नहीं है, किसका है? बागेश्वर का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना गुरुरानी है, जो बिल्कुल सही है। शिल्पकार सभा का गठन 1905, बिल्कुल सही है। हिमानी शिवपुरी फिल्म अभिनेत्री, बिल्कुल सही है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी शिवानंद नोटियाल, देखिए शिवानंद नोटियाल की नहीं है, किनके है ये, उमा दत्त शर्मा की, किनके गाइज ये, उमा दत्त शर्मा की, उमा दत्त शर्मा या इनको बोलते हैं सतीश, ठीक है, उमा दत्त शर्मा सतीश की जो है ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध बुरांस खांडा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जो रॉक क्लाइंबिंग होती है, ठीक है, जो पत्थरों पर चढ़ना होता है, जो लटकी हुई चट्टाने टाइप से होते हैं, उसको रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं। तो इसके लिए जो प्रसिद्ध बुरांस खांडा क्षेत्र है, ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जौनसारी जनजाति में रमतुल्ला रामतुल्ला वाद्य यंत्र, ठीक है, जो रमतुल्ला वाद्य यंत्र है, इसके साथ किया जाने वाला नृत्य है, तो ये है हारुल नृत्य। कौन सा? हारुल नृत्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धतीमा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए धतीमा जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये चर्म वाद्य यंत्र है, ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र है। ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुडकी, हुडका, साइया, ठीक है, दमाऊ, ये सभी क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुराव मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए गुराव मेला जो है ये किस जिले में आयोजित होता है? तो आप याद रखना चमोली जिले में आयोजित होता है। मेन जगह की बात करें तो ये माड़ा, ठीक है, जो माड़ा गांव है वहां पर जो है इसका आयोजन होता है। और जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं गाइस, ठीक है, जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो उससे पहले जो है ये गुराव मेला आयोजित होता है। और ये पूछ ले कि किस जनजाति से ये संबंधित है? तो आप याद रखना ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ये भोटिया जनजाति से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी चाय विशेषज्ञ ए साई वांग गढ़वाल कब आया? ठीक है, तो देखिए चीनी चाय विशेषज्ञ था जो एस आई वांग था, ये गढ़वाल किस वर्ष आया था? तो आप याद रखना 1850 में आया था। कब आया था ये? 1850 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से जौ क्या है? ठीक है, तो निम्न में से जौ क्या है? तो ये एक क्या है, मुद्रा, जो लद्दाख टकसाल में बनती थी। कहां पर बनती थी ये? लद्दाख टकसाल में जो है ये बनती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवार वंश के किस शासक ने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया और इसके लिए कारदार की नियुक्ति की? तो आप याद रखना राज्य को जो 22 पट्टियों में विभक्त किया था और उसके लिए कारदार की नियुक्ति भी की थी, तो किसने की थी? प्रताप शाह ने, ठीक है। कारदार जो है देखिए पटवारियों के समान होते थे, किनके समान होते थे? पटवारियों के समान होते थे। और टिहरी रियासत में ही प्रताप शाह ने जो है 1873 में, याद रखना 1873 में, जीवला पैमाइश से, किससे? जीवला पैमाइश से जो है क्या कराया था? भूमि बंदोबस्त कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दून पुस्तकालय शोध केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए दून पुस्तकालय शोध केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 2006 में। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिद्धतमा किसका पुराना नाम है? तो देखिए सिद्धतमा जो है ये किसका पुराना नाम है? तो ये है नानक मता का। किसका? नानक मता का। नानक मता को और क्या कहते हैं? बख्शी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बख्शी नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा उपनाम गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा उपनाम गलत है? गर्भभंजन, ठीक है, गर्भ, ये गर्भ होता है, ठीक है, आप याद रखें, गर्भभंजन महीपति शाह को कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। गढ़वाल का राणा प्रताप कप्पू चौहान, बिल्कुल सही है। श्रीमान सुरेंद्र सिंह भंडारी, देखिए श्रीमान सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को नहीं कहते हैं, किनको कहते हैं? मोहन लाल मेहता जी को। किनको कहते हैं? मोहन लाल मेहता जी को, ठीक है। तो श्रीमान किनको कहते हैं? मोहन लाल मेहता को। और गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति थे गाइस, वो कौन थे? तो आप याद रखना कृष्ण चंद्र पंत। कौन थे? कृष्ण चंद पंत। तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी
9 नवंबर 2017 में, कब? 9 नवंबर 2017 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म कौन सी है? तो सभी को पता देगी जो पहली फिल्म है वो सभी को पता है कौन सी है, मेघा आ। कौन सी है पहली? मेघा आ। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म कौन सी है, तो आप याद रखना चेली। कौन सी है? चेली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वारुणी पंचकोसी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो देखिए वारुणी पंचकोसी यात्रा है, ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। तो ये कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो आप याद रखना 15 किलोमीटर की है, और इसका आयोजन चैत्र मास में होता है। कब होता है? चैत्र मास में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? झुपिया आभूषण गले में, बिल्कुल सही है। विड़ आभूषण नाक में, बिल्कुल सही है। लच्छा आभूषण, देखिए लच्छा आभूषण हाथ में धारण नहीं किया जाता है, ये पैरों में पहना जाता है, ठीक है, ये पैरों में धारण किया जाता है। जल कच्छभ आभूषण, ठीक है, जल कच्छभ आभूषण जो है ये कान में धारण किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जाएगा, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना 100 गुना। क्या कहते हैं? 100 गुना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की स्थापना कब हुई? तो सिखों के जो पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1930 में। हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर? चमोली में। और ये 7 पहाड़ियों से घिरे हैं। पूछता है क्वेश्चन कि हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरे हैं, तो 7 पहाड़ियों से घिरे हैं। और यहाँ पे देखिए जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो देखिए मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना 1899। अगर फुल डेट की बात करें तो 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च 1899 में। कहाँ पर? चंपावत में, ठीक है, चंपावत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंपावत में स्थित नहीं है? घटोत्कच मंदिर चंपावत में है, तारकेश्वर मंदिर ये चंपावत में है, झूटा मंदिर ये भी कहाँ पर है? चंपावत में। लेकिन मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर जो है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, ठीक है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई? तो आपको पता है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो है ये नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 1966 में, ठीक है, 1966 में। किनके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना जयमल सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? जयमल सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके TSSC के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे UKPCS के हो, जैसे आपका व्यक्तिक सहायक है, सीचपाल है, कनिष्ठ सहायक है, उत्तराखंड फॉरेस्ट है, ठीक है, और उत्तराखंड पुलिस है, जितने भी आपके हैं, मैट वाला है, सीचपाल वाला है, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।